गजब यार, गाड़ियों का लुक तो देखो आप, क्या लग रही है यार। ये गाड़ियां चलने में कैसी होंगी वो तो बाद की बात है, गाड़ियां खूबसूरत कितनी हैं। अरे यार क्या गजब की गाड़ियां हैं यार ये। एक तो मेरे को मस्टैंग जीटी जैसी लग रही है, लेकिन ये मस्टैंग नहीं है, ये शेल्बी है डेफिनेटली। हेलो यूट्यूब, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। वेलकम टू गेम कीपर्स। आज के इस वीडियो में अपन चल रहे हैं तीन बहुत ही शानदार सुपर कार्स परचेज करने के लिए। लॉस सैंटोस में तीनों की तीनों ये सुपर कार्स पहली बार आई हैं। तो अभी बेनी ने मेरे को ये न्यूज दी थी और अब मैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन का वेट कर रहा हूँ। मैंने उन दोनों को फोन करके बुलाया है, वो दोनों आते ही होंगे। ये आ ही गए मेरे ख्याल में, ऐसे ठोका ठाकी करते हुए ट्रेवर ही गाड़ी चलाता है। ये ट्रेवर की हमर है वैसे भी, और फ्रैंकलिन बगल में बैठा हुआ है, तो मैं भी अब गाड़ी में बैठ जाता हूँ। यहाँ से चलते हैं अपन सीधा बेनी के पास, बेनी को उठाएंगे और तीनों गाड़ियां परचेज करने के लिए चलेंगे। ये तीनों की तीनों गाड़ियां ही सुपर कार्स हैं, रेस कार्स हैं, और बेनी ने ही ये डील फिक्स करी है। उसको कहीं से न्यूज मिली थी कि कोई लॉस सैंटोस का बड़ा सा डॉक्टर है जो ये तीनों गाड़ियां बेचना चाहता है। तो अपन चलेंगे यहां से सीधा उस डॉक्टर के पास। अभी अपन पहुंच गए हैं बेनी के गैराज के पास में, और यहां से बस मुझे लेफ्ट लेना है और अपन पहुंच जाएंगे बेनी के गैराज में। तो चलते हैं सीधा, बेनी को उठाते हैं और यहां से बेनी को लेके ही अपन को उस डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि उस डॉक्टर से इसी ने सारी बात करी है। तो ये अपन पहुंच गए हैं बेनी के गैराज में, बेनी को उठा लेते हैं फटाफट से। हाँ भाई बेनी, कितने पुत्र, आजा बाहर, आजा भाई बेनी, चले आजा जल्दी कर यार, बारिश हो रही है एक तो इतनी तेज। तो यहाँ पे अब बेनी आ गया है, बेनी से मेरी सारी बात भी हो गई है, और बेनी ने पता नहीं क्यों बंदूक निकाल ली है। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेनी को लेते हैं। फ्रैंकलिन और ट्रेवर अपने साथ है ही है। तीन गाड़ियां अपन को परचेस करनी है, पैसे अपन को ऑनलाइन ट्रांसफर करने हैं, तो बैंक वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग फटाफट से गाड़ी में बैठ जाए बस। अरे बैठो यार जल्दी करो, इतनी देर लगाते हैं एक तो ये लोग। अब ये लोग बैठ जाए जल्दी से, यहाँ से सीधा अपन को चलना है उसी डॉक्टर के पास। अब आप लोगों को तो पता ही है कि बिग माफिया के भाई ने भी दो शोरूम खोल लिए लॉस सैंटोस में। एक तो रेस कार्स का शोरूम खोला है और एक एंटीक कार्स का शोरूम खोला है। और उसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि अंडरवाटर माफिया ने भी शोरूम खोल लिया है। तो ये लोग अब कंपटीशन बन गए हैं माइकल के लिए, इसीलिए अब माइकल अपना कार्स का गेम, कार्स का बिजनेस बढ़ाने वाला है, एक्सपैंड करने वाला है, और इसीलिए अब बेनी उसका पूरी मदद कर रहा है इस चीज को करने में। तो यहाँ पे बेनी ने ये जो डील करी है तीनों गाड़ियों की, बहुत ही शानदार डील है, इसमें अपन को बहुत मोटे पैसे बचेंगे। खैर अब अपन यहाँ पे पहुंच गए हैं उस डॉक्टर के घर पे। ये घर तो नहीं है, एक तरीके से उसका पूरा रिहैब सेंटर टाइप का है। यहाँ पे वो अपने पेशेंट्स वगैरह को भी देखता है, और पीछे की तरफ आप देख रहे हो टेनिस खेलने का भी है और स्विमिंग पूल भी है, काफी कुछ है, काफी बड़ा सा उसने ये मतलब इस एरिया में वो अपने पेशेंट्स को एक तरीके से पूरा वेलनेस सेंटर टाइप का आप कह सकते हो। खैर अब अपन चलते हैं सीधा डॉक्टर से बात कर लेते हैं। ये आप राइट साइड में देख पा रहे हो पेड़ के नीचे तीन गाड़ियां खड़ी हैं, वही तीनों गाड़ियां अपन को आज डील करनी है। तो ये तीनों अब यहीं पर रुक जाएंगे, अपन चलते हैं अंदर। तो अब मैं चाह रहा हूं अंदर डॉक्टर से बात करने के लिए। तीनों के तीनों बाहर अपना वेट करेंगे, और तीनों के तीनों एक तरीके से गार्ड भी करेंगे जगह को, ताकि किसी भी तरीके का अगर कोई अटैक हो जाए अपन पे तो वो तीनों के तीनों बाहर पहले से संभाल ले उस चीज को। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि माइकल कितना बड़ा गैंगस्टर है, इसका चारों तरफ दुनिया भर के इसके दुश्मन है लॉस सैंटोस में, और इसकी डेली किसी ना किसी से लड़ाई होती रहती है। तो अब यहाँ पे मैं इस डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, और मेरी इससे डॉक्टर से पूरी बात हो भी गई है। अब ये डॉक्टर अपन को ये और कह रहा है कि मेरे साथ आओ एक बार, मेरे पास कुछ एंटीक आइटम्स भी हैं जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे को बेचने हैं, इसको किसी तरीके से ऑक्शन करवा दो या कुछ। तो अपन चल रहे हैं इसके साथ, इसके पीछे पीछे। ये कहाँ लेके जा रहा है पता नहीं, बाकी इसका यार ये हॉस्पिटल तो बड़ा ही गजब का बना हुआ है। खैर यहाँ पे अपन को इसके पीछे पीछे जाना है फिलहाल, ये अपन को कोई एंटीक आइटम्स दिखाने वाला है। ओए ये कहाँ ले जा रहा है, तहखाने में यार नीचे तो यार गार्ड भी है, और ये तो बड़ी अजीब सी जगह है। ओ भाई साहब ये देखो क्या है यार, ओ यहाँ तो दुनिया भर की बंदूकें हैं, बंदूकें। अच्छा नहीं इसको बंदूकें नहीं ऑक्शन करनी, ओके ये ऑक्शन करना है इसको। अरे यार बंदूकें लेकिन दुनिया भर की, ये डॉक्टर है कि कोई गैंगस्टर है साला, क्या है इसके साथ। यहाँ पे काफी सारे एंटीक आइटम्स हैं जो ये ऑक्शन करना चाहता है, और माइकल की मदद मांग रहा है ये इनको बेचने के लिए। खैर ये सब बाद की बात है, फिलहाल अपन अपनी गाड़ियों की डील करने के लिए आए हैं, जिसके लिए अब अपन बाहर चल रहे हैं वापस। ये अपन को गाड़ियां दिखाएगा तीनों की तीनों, और फिर अपना पैसे वगैरह अपन तय करेंगे, डील तय करेंगे, इसको मैं पेमेंट कर दूंगा और तीनों गाड़ियां अपन लेके चल देंगे। तो चलते हैं सीधा इसके पीछे पीछे और बाहर चलते हैं। बाकी यार इसका ये वेलनेस सेंटर तो बड़ा ही गजब का है, बाहर भी बनाया हुआ है, किचन भी बनाया हुआ है, बड़ा ही शानदार लग रहा है। क्या डॉक्टर साहब आ रहा हूं मैं पीछे पीछे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलते हैं डॉक्टर के साथ और चल के तीनों की तीनों गाड़ियां देख लेते हैं। तीनों गाड़ियों के वैसे तो बेनी से डॉक्टर ने $5 मिलियन मांगे हैं, लेकिन अभी अपन तीनों गाड़ियों को देखेंगे और फिर पैसे डिसाइड करेंगे।
तो यहाँ पे अब अपन चल रहे हैं डॉक्टर के साथ साथ, फ्रैंकलिन, ट्रेवर और बेनी भी पीछे पीछे आ रहे हैं, और ये लोग भी गाड़ियां देख लेंगे क्योंकि इन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा तेजी मच रही है, क्योंकि ये गाड़ियां कभी भी लॉस सैंटोस में इससे पहले नहीं आई है और किसी ने आज तक ये गाड़ियां नहीं देखी है। तीनों की तीनों गाड़ियां बहुत ही खूबसूरत है, बस अपन पहुंचने ही वाले गाड़ियों के पास, आप लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है। गाड़ियां यार यहीं से मुझे तो इतनी खूबसूरत लग रही है, गजब यार, गाड़ियों का लुक तो देखो आप, क्या लग रही है यार, ये गाड़ियां चलने में कैसे होंगी वो तो बाद की बात है, गाड़ियां खूबसूरत कितनी हैं। अरे यार क्या गजब की गाड़ियां हैं यार, ये एक तो मेरे को मस्टैंग जीटी जैसी लग रही है, लेकिन ये मस्टैंग नहीं है, ये शेल्बी है डेफिनेटली, और ये बुगाटी की बोलाइड गाड़ी है, और ये जो तीसरी गाड़ी आप देख रहे हो ये ऑडी की RS7 है, वाइट बॉडी वाली, आप देख रहे हो इसकी बॉडी की मतलब एरोडायनेमिक्स देखो आप कितने गजब के हैं इस गाड़ी के, भाई साहब क्या गाड़ियां हैं, डॉक्टर साहब कहां से लाए हो तीनों की तीनों गाड़ियां यार, बड़ी गजब की गाड़ियां हैं, तीनों की तीनों गाड़ियां बहुत शानदार है, मुझे तो ऐसा लग रहा है 5 मिलियन फटाफट पकड़ाऊं और गाड़ियां लेके यहां से फटाफट से अपन रवाना हो ले। इन गाड़ियों को बेचने से पहले मैं सोच रहा हूँ इन गाड़ियों से अच्छी अच्छी रेसेस कर लेंगे अपन, और उससे अपन अच्छा खासा पैसा था वैसे ही कमा लेंगे। ये कौन आया यार, अचानक कोई आया है, मैं यहाँ पे डॉक्टर से बात ही कर रहा था, पैसों की डील कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई आ गया अचानक, चल के देखते हैं जरा कौन है। अरे ये तो अंडरवाटर माफिया लग रहा है यार, एक मिनट इससे बात करते हैं जरा, ये क्या कह रहा है देखें। तो यहाँ पे अब अंडरवाटर माफिया से बात हो गई और ये कह रहा है मेरी भी यहाँ पे मीटिंग थी आज इन्हीं गाड़ियों के बारे में, और मैं भी ये गाड़ियां ही परचेज करने आया हूँ। यार ये तो बहुत तगड़ी दिक्कत वाली बात हो गई यार, इसको मालूम कहाँ से चला इन गाड़ियों के बारे में, ये कहीं बेनी ने तो धोखा नहीं दे दिया अपन को। अब यहाँ पे अंडरवाटर माफिया तो बिल्कुल एडमेंट हो रहा है कि भाई मेरे को तो एक गाड़ी चाहिए ही चाहिए, और ये इसको शेल्बी ज्यादा पसंद आई हुई है, उसके पास ही जाके खड़ा हो गया। खैर अब यहाँ पे मैंने इससे बात कर ली अंडरवाटर माफिया से, और आप देख ही रहे हो यहाँ पे अभी माइकल इससे बात कर ही रहा है, और यहाँ पे इससे अब मांडवली ये हो गई है कि एक गाड़ी ये ले जाएगा जो $2 मिलियन की बीच वाली बुगाटी बोलाइड है, उसके अलावा बाकी की दोनों गाड़ियां अपन रखेंगे। अब डॉक्टर साहब को यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, अंडरवाटर माफिया भी अपनी पेमेंट कर देता है, उसके बाद ट्रेवर को तो अपन शेल्बी लेके भेज देंगे, फ्रैंकलिन यहाँ पे ऑडी लेके चला जाएगा, और बेनी अपनी हमर वापस लेके चला जाएगा और ट्रेवर के घर पे छोड़ देगा। डॉक्टर साहब की पेमेंट कर दी है, अब यहाँ पे अपन दोनों को एक एक गाड़ी पकड़ा देते हैं, बेनी हमर लेके वापस चला जाएगा, और फिर अंडरवाटर माफिया ऐसा कह रहा है कि मेरे साथ मेरे शोरूम पे चल ले, तो मैं जा रहा हूँ इसकी बुगाटी को ड्राइव करके इसके शोरूम पे ले जाने। चलो भाई अपनी अपनी गाड़ियों में बैठो और निकलो यहाँ से, फ्रैंकलिन तू तो ले जा भाई ऑडी RS7। तो फ्रैंकलिन यहाँ पे बैठ रहा है गाड़ी में और जा रहा है ऑडी लेके, ट्रेवर जाके बैठ जा भैया तू इसमें गाड़ी में, और तू ले जा शेल्बी को, और बेनी तू ले जा भाई ये वाली हमर, और इसको ले जाके ट्रेवर के घर पे छोड़ देना, और वहां से फिर तू अपने आप आ ही सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे गाड़ियां क्यों ठोक रहा है यार, ये हमर में जो बैठता है वो हथौड़े क्यों चलाने लग जाता है ये नहीं समझ में आता, हमर और हैमर बहुत ही बेकार था जोक है, लेकिन चलो अब जो दिमाग में आया बोल दिया। तो यहाँ पे अब अंडरवाटर माफिया के साथ मैं बैठ जाता हूँ इसमें गाड़ी में, ये फ्रैंकलिन पूरा नचा नचा के ले जा रहा है ऑडी को, बहुत ही अच्छे ये मजे ले रहा है गाड़ी के। खैर अपन चलते हैं, देखते हैं इस सुपर कार को चला के कि ये कैसी चलती है। आ जा भाई अंडरवाटर माफिया चले यहाँ से। तो ये कह रहा है कि यहाँ से अपन पहले एक बार चलते हैं जरा बिग माफिया के भाई के शोरूम पे, तो जो वहां पे बेनिफैक्टर वाला शोरूम है, जो आप लोगों को ध्यान होगा कि माइकल का पहले गैराज था, वहां पे अब बिग माफिया के भाई ने एक शोरूम खोल लिया है जो रेस कार्स वाला, तो ये कह रहा है वहां वाले शोरूम पे अपन को जाना है इस गाड़ी को लेके। तो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहीं चल लेते हैं अपन सीधा, और चलते हैं और देखते हैं चल के कि बिग माफिया का भाई वहां पे है या नहीं है, और अगर वो होगा तो उससे बात भी कर लेंगे, वो पिछली बार कह ही रहा था कि भाई अपने शोरूम के बदले ये तीनों शोरूम ले लो, तो वो तो अपन नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं कि टेक्नो गेमर्स के वीडियो में किस तरीके की डील बनती है, टेक्नो गेमर्स किस तरीके की डील करता है इन लोगों से, वो देखी जाएगी। खैर ये तीनों गाड़ियां आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अपन पहुंच चुके हैं, ओ फक ये क्या हुआ, अपन पहुंचे हैं यहाँ बिग माफिया के भाई के शोरूम पे, यहाँ तो उसके गार्ड्स मरे पड़े, फक ये क्या हुआ यार, यहाँ पे तो कुछ पंगा है, मैं फटाफट से बंदूक निकाल लूं, दिक्कत क्या हुई है यहाँ पे, अंदर तो कुछ गार्ड्स हैं अभी भी खड़े हुए और रिसेप्शनिस्ट भी बैठी हुई है, लेकिन ये क्या चक्कर है यार, यार ये गार्ड्स को किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है स्नाइपर मारी है दूर से, क्योंकि अंदर वाले गार्ड्स को पता भी नहीं चला, और बाहर ये गार्ड्स मरे हुए हैं और एक एक गोली में मरे हुए हैं, ऐसा लग रहा था देख के किसी ने तो दूर से स्नाइपर मारी है यार, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक चक्कर क्या है, ये हुआ क्या यार, बिग माफिया का भाई ठीक है कि नहीं है, हुआ क्या है ये समझ नहीं आया, अंदर चल के जरा देखते हैं। तो यहाँ पे तो गार्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हैं, तो अंदर तो कुछ हुआ नहीं है, और बिग माफिया का भाई तो यहाँ पे है भी नहीं, उसकी गाड़ी भी नहीं है, तो वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आज आया भी था, गाड़ियां सारी सलामत है इसका मतलब शोरूम के अंदर तो कोई भी नहीं आया है, सारी की सारी गाड़ियां आप देख रहे हो वैसे के वैसे ही खड़ी है जैसे अपन ने
टेक्नो गेमर्स के वीडियो में लास्ट टाइम देखी थी, लेकिन यार ये चक्कर क्या हुआ मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। कुछ ना कुछ तो हुआ है, किसी ने तो बाहर वाले गार्ड्स को मारा है और कोई तो यहाँ शोरूम पे अटैक कर रहा है, लेकिन क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा है। बाहर चल के देखते हैं, अंडरवाटर माफिया से बात करते हैं चल के। फक, ये क्या हुआ? ओए बाहर गोलियां चलने लग गई। शेट 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 शेट, बंदूक निकाल फटाफट। ओए ये क्या हुआ? अरे ये तो कोई गैंग मेंबर्स लग रहे हैं। अरे यार ये तो, ओ फक, ये तो बालाज लग रहे हैं, दुनिया भर के बालाज। ये इतने सारे गैंग मेंबर्स यहाँ पे कैसे आ गए? भाग 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 भाग। अरे मैं आगे वाले गेट से तो बाहर ही नहीं निकल सकता, पीछे से भागता हूँ। ओ शिट, ये क्या हुआ? ओ शिट 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 शिट। अरे बाप रे, तो दुनिया भर के हैं यार। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत सारे गैंग मेंबर्स हैं यार एक साथ। इतने सारे साले चारों तरफ से अटैक कर दिया इन्होंने तो शोरूम पे। यार ये पंगा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कि फ्रैंकलिन के घर पे, आप लोगों को ध्यान है माइकल जब लास्ट टाइम गया था तो फ्रैंकलिन के घर पे चला गया था जहां पे ये सारे गैंग मेंबर्स पार्टी कर रहे थे फ्रैंकलिन के साथ ही, और वहां पे पुलिस आ गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि इन गैंग मेंबर्स को ऐसा लगा हो कि भाई ये इन लोगों की गलती है, अंडरवाटर माफिया की और बिग माफिया की, और इन लोगों ने शायद पुलिस भेजी है। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आए हैं, ये गैंग मेंबर्स जितने भी हैं। ऐसा हो सकता है कि अंडरवाटर माफिया को लेने आए हैं या किडनैप करने आए हैं। अब क्या हो सकता है मुझे बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है। ये इतने सारे भाई साहब, ये इतने सारे इकट्ठे होके आए कहां से, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यार। ये तो बहुत तगड़ा, इन्होंने तो फुल ऑन अटैक किया है यहाँ पे। ओए कहां भाग रहा साले तेरी तो, चल। ये एक बंदूक बहुत ही शानदार है, एक तो कोई वैसे सीधी तरीके से ना मरे ना तो आग से मर जाता है बेचारा, बहुत अच्छी बंदूक है यार। बहुत सारे गैंग मेंबर्स हैं, इन्होंने सालों ने अटैक किया क्यों है यहाँ पे, ये नहीं समझ में आ रहा। खैर जो भी हो, अपन अच्छा हुआ कि अपन यहाँ पे थे और अपन ने यहाँ पे अंडरवाटर माफिया को भी बचा लिया। अंडरवाटर माफिया भी मार ही रहा होगा वैसे तो इन लोगों को, लेकिन वो है कहाँ पे पट्टा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ चला गया, भाग तो नहीं गया? खैर जैसा भी हो, अभी अंडरवाटर माफिया भी, ओए ये कौन है, ये पता नहीं कौन है। अंडरवाटर माफिया भी दिख ही जाएगा, अंदर वाले जो बिग माफिया के भाई के गार्ड थे वो तो साले अंदर ही खड़े, अभी भी बाहर ही नहीं आया एक भी गोली चलाने। वो मुझे लगता है शोरूम को अंदर से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है भाई उनका भी अंदर रहना ठीक है। अंडरवाटर माफिया कहाँ चला गया, मैं फटाफट से चल के उसको ढूंढ लेता हूँ, वो कहीं ना कहीं तो इन लोगों को मार ही रहा होगा। ये रहा अंडरवाटर माफिया भी आ ही चुका है, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अपन ने शोरूम भी बचा लिया, सारी गाड़ियां भी बचा ली और किसी को कुछ नहीं हुआ। तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, गाड़ी अपन सेफली खरीद के लाई चुके हैं यहाँ पे बिग माफिया के भाई से। मैं अगले वीडियो में मिलूंगा और उससे चल के बात करेंगे कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे अटैक हुआ है और क्यों हुआ है, उसको पता करने के लिए अपन फ्रैंकलिन से भी बात कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे अटैक क्यों हुआ है, और आप लोगों को क्या लगता है कि टेक्नो गेमर्स के अगले वीडियो में क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।